बॉलीवुड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी पिछले कुछ दिनों से लगातार अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में है। पहले एक्टर की पत्नी ने तलाक का नोटिस भेजा और अब खबरें आ रही हैं कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी की भतीजी ने उनके भाई यानी अपने ही चाचा पर रेप जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। इतना ही नहीं, सिद्दीकी की भतीजी ने दिल्ली के जामिया पुलिस स्टेशन में अपनी शिकायत भी दर्ज करा दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नवाजुद्दीन सिद्दीकी की भतीजी ने अपने चाचा पर रेप का आरोप लगाते हुए शिकायत में कहा कि वो बचपन से ही उत्पीड़न का शिकार हो रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, एक्टर की भतीजी ने ये भी बताया कि इस पूरी घटना के बारे में उनके बड़े पापा यानी नवाजुद्दीन सिद्दीकी को भी जानकारी थी, लेकिन कुछ सपोर्ट करने की बजाय उल्टा उन्हें डांट कर चुप करा दिया गया। वहीं इन आरोपों के सामने आने के बाद नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पत्नी आलिया सिद्दीकी ने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी बात कही जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। पूरी घटना पर रिएक्शन देते हुए आलिया सिद्दीकी ने लिखा कि ये तो अभी शुरुआत है, शुक्र है भगवान का कि मुझे पहले ही इतना सपोर्ट मिल गया। अभी काफी खुलासा होगा जो दुनिया को चौंका देगा कि मैं ही सिर्फ अकेली नहीं थी। देखते हैं कि पैसा कितना सच खरीद सकता है और कौन कौन पैसा देकर खरीद सकते हैं। न्यूज डेस्क।